हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जीतू और ट्रिपल सी के चैप्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजर इंटरफेस के बारे में कि यूजर इंटरफेस होता क्या है और इसका यूज क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजर इंटरफेस एक मैकेनिज्म होता है जिसमें कंप्यूटर को कोई टास्क करवाने के लिए उसमें कमांड लिखनी पड़ती है। यूजर इंटरफेस टू टाइप के होते हैं। पहला कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यानी CUI। CUI में यूजर के थ्रू दिए गए सभी इंस्ट्रक्शन को वर्ड में टाइप करके लिखना पड़ता है। एग्जाम्पल डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें सभी इंस्ट्रक्शन टाइप करके दिए जाते हैं। दूसरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI। GUI में यूजर के थ्रू दिए गए सभी इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले पे क्लिक करके दिए जाते हैं। एग्जाम्पल विंडो और लाइनक्स। अब बात करते हैं विंडो डेस्कटॉप की। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो जो भी कंप्यूटर पे फर्स्ट स्क्रीन डिस्प्ले होती है उसे ही डेस्कटॉप बोला जाता है, और जो भी डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में इमेज होती है उसे वॉलपेपर बोला जाता है। बात करते हैं आइकन्स की। जो भी डेस्कटॉप पे एप्लीकेशंस होती हैं वो आइकन्स होती हैं। आइकन्स स्मॉल पिक्चर होती हैं जो फाइल, फोल्डर और प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। यह है कुछ आइकन्स जो डेस्कटॉप पे शो होते हैं। पहला दिस पीसी और माई कंप्यूटर। यह डेस्कटॉप का मोस्ट इम्पोर्टेंट आइकन होता है जो डॉक्यूमेंट फोल्डर के आइकन और हार्ड डिस्क पार्टीशन कंटेन करता है। दूसरा रिसाइकल बिन, ये भी डेस्कटॉप का ही एक आइकन होता है जो डिलीट फाइल्स और शॉर्टकट कंटेन करता है। अगर हम किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाती है। तीसरा माई डॉक्यूमेंट, ये आपकी उन फाइल्स को कंटेन करता है जिन्हें आप बनाकर सेव करते हैं। ये फोल्डर सभी तरह के फाइल फॉर्मेट कंटेन करता है जैसे वर्ड प्रोसेसर, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। चौथा माई नेटवर्क प्लेस, ये सभी नेटवर्क कनेक्शन से बना होता है जिससे कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट होता है। स्टार्ट मेन्यू कंप्यूटर प्रोग्राम के मेन गेटवे होता है जो रिसेंटली ओपन प्रोग्राम कंटेन करता है। यह है स्टार्ट मेन्यू के कुछ ऑप्शंस। ए ऑल प्रोग्राम, बी हेल्प एंड सपोर्ट, सी डॉक्यूमेंट्स, डी कंट्रोल पैनल, ई सर्च, एफ लॉग ऑफ और जी टर्न ऑफ। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ अ विंडो। विंडो एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है जो बहुत से प्रोग्राम को रन होने के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ये यूजर को मल्टीपल टास्क पे वर्क करने के साथ साथ मल्टीपल प्रोग्राम को व्यू करने के लिए भी अलाउ करता है। एक विंडो में टाइटल बार, मेन्यू बार, स्क्रॉल बार और स्टेटस बार होता है। टाइटल बार एक हॉरिजॉन्टल बार होता है जो विंडो के टॉप पे होता है। ये विंडो और प्रोग्राम के नाम डिस्प्ले करता है जो करेंटली यूजर यूज करता है। कंट्रोल बटन्स, टाइटल बार अपने राइट कॉर्नर में 3 स्मॉल बटन कंटेन करता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन एंड क्लोज बटन। मिनिमाइज बटन दिखने में छोटा सा डैश और माइनस का साइन की तरह होता है। इस बटन का यूज प्रोग्राम को मिनिमाइज यानी श्रिंक करने के लिए किया जाता है जिससे प्रोग्राम और विंडो टास्क बार पे प्लेस हो जाती है बट प्रोग्राम रनिंग ही रहता है। इसी विंडो को दोबारा से ओपन करने के लिए टास्क बार पे वहां क्लिक कीजिए जहां ये श्रिंक हुई थी। मैक्सिमाइज बटन दिखने में स्मॉल विंडो की तरह होता है जो विंडो के साइज को चेंज करता है। क्लोज बटन को क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप क्लोज बटन पे क्लिक करते हो तो आपकी ओपन विंडो क्लोज हो जाती है। मेन्यू बार टाइटल बार के नीचे सिचुएटेड होती है। ये एडिट, व्यू, फेवरेट, टूल्स और हेल्प मेन्यू आइटम जैसे कंटेन करती है। स्क्रोल बार विंडो के राइट साइड और बॉटम पे शो होता है। एक विंडो अपने से ज्यादा एरिया का डॉक्यूमेंट शो कर सकता है। स्क्रोल बार की हेल्प से यूजर डॉक्यूमेंट के हिडन एरिया को स्क्रोल करके देख सकता है। स्क्रोल बार टू टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। स्टेटस बार एक हॉरिजॉन्टल बार होता है जो विंडो के बॉटम में लोकेटेड होता है जो जूम स्लाइडर कंटेन करता है। टूल बार आइकन की एक स्ट्रिप होती है जो कुछ फंक्शन कंटेन करती है। इन्हीं ऑप्शंस को टूल बोला जाता है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो फटाफट हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।